नमस्कार। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक टॉपिक नहीं कहेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्लास ट्वेल्थ वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर है 10.5। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक था, न्यूमेरिकल था, इसलिए हमने इसको इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एग्जाम्पल 10.3 व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ सिंगल स्लिट पैटर्न। देखिए, पहले तो ये आपका एग्जाम्पल 10.3 है, पहले तो एग्जाम्पल 10.3 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस न्यूमेरिकल को बताते हैं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक ये न्यूमेरिकल होने वाला है नहीं, है बड़ा ईजी। देखिए ध्यान से, 10.3 जो एग्जाम्पल नंबर है, ये इट इज़ नॉट द एक्सरसाइज क्वेश्चन, इट इज़ द एग्जाम्पल क्वेश्चन। मैं इसकी फोटो लगा दूंगा पिक, उसमें जब हमारा वीडियो चलेगा तो उसमें एग्जाम्पल 10.3 10.5 दोनों की पिक्चर लगी होगी, देख लीजिएगा। इसमें लिखा है टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पढ़ी होगी, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है, उसको समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये उसमें आपने देखा होगा दो स्लिट्स ऐसे हैं, है ना, दो स्लिट्स हैं। इस स्लिट की ओपनिंग कुछ, इसका जो होल होता होगा कुछ साइज होती होगी, उसे फिलहाल मतलब नहीं है। और ये स्लिट्स है S1 और ये है S2, ठीक है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे जो लाइट निकलती है वो जाके सामने एक स्क्रीन पे जाके मिलती है, और ये है स्क्रीन। और स्क्रीन यहाँ से जो रखी हुई है वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे बनी है। यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज बनती है, और इसमें ऊपर जाएंगे तो कुछ डार्क कुछ ब्राइट, कुछ डार्क कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है। ये इंटरफेरेंस बताया गया था, इसको हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है। तो कहा यह गया है कि टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी जो 10.3 एग्जाम्पल नंबर है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसमें स्मॉल डी की वैल्यू दी है आपकी 1 मिलीमीटर, बोले तो 1 × 10⁻³ मीटर ये दिया हुआ है। और कहते हैं जो स्क्रीन रखी हुई है वो 1 मीटर अवी है, कैपिटल डी दिया है 1 मीटर अवी दिया गया है। और कह रहे व्हाट इज़ द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन द ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यानी जो लैम्डा दिया हुआ है वो 500 नैनोमीटर, बोले तो 10⁻⁹ मीटर अगर है तो फ्रिंज सेपरेशन बताना है, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई बताना है, फ्रिंज विड्थ बताना है, हमें बीटा बताना है, ठीक है। ये पहला 10.3 जो एग्जांपल है उसका क्वेश्चन है। तो ये हम जानते हैं बीटा की वैल्यू क्या होती है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये आपने पढ़ा है। तो डी बोले तो 1, लैम्डा बोले तो 500 × 10⁻⁹, और स्मॉल डी कितना है 10⁻³। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाओ तो आएगा 5 × देखिए 10⁻⁹ ये है और ये 20 है, तो प्लस का 2 इसमें प्लस हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, तो आएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर या 0.5 मिलीमीटर। तो ये आपकी फ्रिंज सेपरेशन है, यानी फ्रिंज विड्थ है, दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी है, ऐसा दिया गया है, ठीक। ये 10.3 क्वेश्चन है। अब इसमें इस्तेमाल क्या करना है, स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप ज़रा 10.5 को बहुत 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 ध्यान से समझिएगा, 10.5 ये नोट कर लीजिएगा, नोट ही कर लिया होगा। देखिए 10.5 क्या कह रहा है, 10.5 कह रहा है कि ज़रा 10.5 पढ़ लेते हैं, फिर उसको बताते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ई स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। सावधान, देखो ये कह रहे हैं कि जो डबल स्लिट पैटर्न है ना, उसमें एक मैक्सिमा आई उसकी कुछ विड्थ हुई, दो मैक्सिमा आई उसकी कुछ चौड़ाई हुई, तीन मैक्सिमा आई उसकी कुछ चौड़ाई हुई, तो ऐसे 10 मैक्सिमा होंगी उनकी कुछ विड्थ होगी। मतलब एक मैक्सिमा, आप जानते हैं फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, डी लैम्डा अपॉन डी, यानी कि 10 मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी होगी, 10 × डी लैम्डा अपॉन डी,
ये कह रहे हैं, ये तो डबल स्लिट पे हुआ, ये कह रहे हैं कि अगर इसको सिंगल स्लिट मान लिया जाए, मतलब ये दो दो छेद है ना, उनमें से एक छेद को बंद कर दीजिए और सिंगल स्लिट कर दीजिए, तो सिंगल स्लिट में जो तो डिफ्रेक्शन होता है, तो उस सिंगल स्लिट में इस स्लिट की चौड़ाई कितनी होगी, जो छेद है ये होल है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, मतलब समझिएगा, मतलब वो कहना ही चाहते हैं कि जो दो स्लिट है ना, उनमें से अगर सिंगल स्लिट आप ले लें, सिंगल स्लिट बोले तो ये सिंगल स्लिट है, तो इस स्लिट की चौड़ाई ए कितनी होगी, जबकि यहाँ जो सेंट्रल मैक्सिमा बने उसकी चौड़ाई, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसकी चौड़ाई उतनी ही हो जितनी ये 10 ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है। हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कह रहा था कि दो स्लिट्स थी, दो होल्स थे, उनसे लाइट जा रही थी और वो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, जो कि फ्रिंज की चौड़ाई कांस्टेंट थी, आप जानते हैं कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम उस जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी 10 ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई ले लें, जो कि ये है, और अगर उस स्लिट का एक होल बंद कर दें और केवल सिंगल स्लिट ले लें, मतलब एक होल खुले, तो उस होल की चौड़ाई कितनी होगी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बने वो उतनी ही चौड़ी बने जितनी कि ये 10 ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब इसको बताने के पहले ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक देखिए, आपने पढ़ा है डिफ्रेक्शन में, विवर्तन जिसको कहते हैं, उसमें पढ़ा है कि एक सिंगल स्लिट होती है ना, मतलब ये एक ओपनिंग है। अब आपकी इतना बड़ा स्लिट बना दिया है, थोड़ा छोटी कर दो लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन होती है, जब लाइट गिरती है ना तो यहाँ से लाइट इधर मुड़ जाती है, यहाँ से लाइट इधर मुड़ जाती है, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है। ये सेंट्रल, ये इसकी विड्थ है ए, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, सेंटर पर बनाइए बिल्कुल, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ आपने देखी है, ज़रा इसको छोटा कर दें, कन्फ्यूज़न आपको बहुत हो जाएगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ फिलहाल। ये जो स्लिट हमने बहुत चौड़ी बनाई है ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखो ये स्लिट हम छोटी ही किए दे रहे हैं, ये छोटी किए दे रहे हैं, ये S1 है, पहली स्लिट, दो छेद में से एक होल बंद कर दिया है, ठीक है, ये S1 है, और यहाँ से ये देखिए हमने डिफ्रेक्शन में पढ़ा कि उसमें एक सिंगल स्लिट होती है ना, याद करिए आप, और सिंगल स्लिट से एक छोटी सी ओपनिंग होती है और वहाँ से लाइट निकल के ऐसे फैल जाती है और बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होती है, ये वाली जो चौड़ाई होती है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वो कितनी होगी, 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी क्या है, 2 लैम्डा अपान a, 2 लैम्डा अपान a, जहाँ a जो है ना, ये जो स्लिट होती है ना, ये जो ओपनिंग है, इसकी चौड़ाई है। ये थोड़ा आपने बहुत पतली मानी है, पतली नहीं मानेंगे तो एंगल दिखाने में हमको दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसको पतली माना है, अदरवाइज ये थोड़ा बड़ी बांध सकते हैं कि होती बहुत पतली है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है ना, ये तो आपने एंगुलर विड्थ ली है, लेकिन वो जो आप अभी इंटरफेरेंस में समझा रहे थे वहाँ तो लीनियर की बात कर रहे थे, तो आपको ये चौड़ाई चाहिए ना। तो अगर मैं मान लूँ कि जो बीटा नॉट है वो उसकी लीनियर विड्थ है, कैसी विड्थ है, लीनियर विड्थ है, तो मुझे एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ में रिलेशन चाहिए। पहली बात है एंगल बहुत छोटा है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिखाने में बड़ा दिख रहा है, तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस, ये हमने पढ़ा है, और एंगल कितना है यहाँ पर, 2 थीटा, और आर कितना है, बीटा नॉट, रेडियस क्या है। अब देखो रेडियस तो एक्चुअली ये वाली दूरी है, ये रेडियस है, लेकिन ये चूंकि बहुत नज़दीक है इसलिए आर को कैपिटल डी मान लिया गया है, तो इसको भी कैपिटल डी माना गया है ना। तो यानी कि बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा इंटू कैपिटल डी, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा अपान a, 2 लैम्डा अपान a। जरा क्वेश्चन को आप पकड़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है ना, ये एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रेक्शन के केस में, जब एक स्लिट है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बीटा नॉट माना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी आप इंटरफेरेंस के केस में एक मैक्सिमा की विड्थ निकाली थी ना बीटा, अगर उसका 10 टाइम्स कर दें तो वो बीटा नॉट के इक्वल होना चाहिए।
इस केसेस में आपको इस स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को चेक करिएगा, आप इसको रब कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो बीटा भी आप निकाल चुके हैं, बीटा की वैल्यू क्या निकाली है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यानी 10 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू, बीटा नॉट की वैल्यू क्या निकाली है, 2 लैम्डा, ये डी भी तो आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, लैम्डा डी कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो आपको स्मॉल ए निकालना है ना, तो 10 अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 अपॉन स्मॉल ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ए इज इक्वल टू 2d, ए की वैल्यू आएगी 2d अपॉन 10, 0.2, और डी की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1 मिलीमीटर, तो 1 रख दीजिए, तो ये आपका 0.2 मिलीमीटर आएगी। यानी जो आपकी स्लिट्स है ना, दो स्लिट्स थी S1 S2, दो ओपनिंग थी, उसमें एक बंद कर दिया तो वहाँ डिफ्रेक्शन शुरू हो गया, तो उसकी जो ओपनिंग की चौड़ाई है वो 0.2 मिलीमीटर अगर आप रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होगी वो उतनी ही होगी जितनी की 10 ब्राइट फ्रिंजेस की चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।